नमस्कार दोस्तों, बजट 2018 से रिलेटेड एक डिस्कशन, कैपिटल गेन से रिलेटेड इंसर्शन पर मैंने आपके साथ में अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि सेक्शन 112A के द्वारा भारत सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब टैक्स लगाने जा रही है, पर्टिकुलरली जो इक्विटी शेयर से जहां पर एसटीटी लगा हो एट द टाइम ऑफ सेल एज वेल एज एट द टाइम ऑफ परचेज, इसी प्रकार से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पर और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पर। तो इस कैपिटल गेन से रिलेटेड डिस्कशन पर फॉर्चुनेटली 4 फरवरी 2018 को यानी कल की डेट में भारत सरकार की ओर से एफएक्यूज भी जारी हो गए, एफएक्यूज यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज। तो जो भी हमारे दिमाग में कुछ क्वेरीज हैं उनका उसी प्रकार से समाधान सरकार ने कर दिया है, क्लैरिटी दे दी है, और एक इस महत्वपूर्ण विषय पर क्लैरिटी निश्चित रूप से आ चुकी है कि 1 फरवरी 2018 से लेकर के 31 मार्च 2018 के बीच में यदि आप कोई पर्टिकुलर एसेट बेचेंगे जो कि इक्विटी शेयर्स के रूप में या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के रूप में या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स के रूप में होगी और उनके सेल के समय एसटीटी लगेगा, तो ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पहले के प्रावधान 1038 के हिसाब से ही कोई कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी। और डिटेल के लिए आप निश्चित रूप से उस पर्टिकुलर एफएक्यूज का रेफरेंस ऑनलाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसके साथ साथ आपसे 2-3 और जो अमेंडमेंट हैं उस पर इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू डिस्कशन करने जा रहा हूं। एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हमारा आया है सर, सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर एक क्लॉज 12D इंसर्ट किया जा रहा है, साथ के साथ सेक्शन 28 के अंदर एक क्लॉज 6A इंसर्ट किया जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, अब तक लॉ में यह स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी कि यदि एक बिजनेसमैन अपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करेगा तो क्या कोई टैक्स लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। अब सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था कर दी इन क्लॉजेस के थ्रू कि यदि कोई पर्टिकुलर व्यापारी, बिजनेसमैन, मे बी अ मैन्युफैक्चरर, यानी जिसकी भी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम ऑफर होती है, यदि वो अपनी किसी पर्टिकुलर एसेट को जो कि स्टॉक इन ट्रेड के रूप में उसे कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करता है, जैसे मान लीजिए मैं एक बिल्डर हूं, मेरे पास में एक फ्लैट है, मैं चाहता हूं इस फ्लैट में मैं रहने लग जाऊं, तो ऐसी परिस्थिति में सर जिस दिन तक मेरा फ्लैट कन्वर्ट होता है स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट, उस दिन तक का एप्रिसिएशन मेरा बिजनेस इनकम माना जाएगा। ये बात अब स्पष्ट रूप से कर दी। और उस दिन के बाद से, यानी मान लीजिए मैंने कोई पर्टिकुलर फ्लैट 40 लाख में बनाया और 2 साल बाद बनाने के मेरे को लगता है मैं परिवार सहित इसमें शिफ्ट हो जाता हूं, मैं रहने लग जाता हूं, मुझे मेरे मकान की जरूरत है मेरे रहने के लिए, तो सर मान लीजिए मैंने 2 साल बाद उसे कन्वर्ट किया मेरे रहने के लिए, तो उस दिन मान लीजिए वैल्यू 60 लाख थी, तो ये 20 लाख रुपए मेरे हाथ में बिजनेस प्रोविजन की इनकम बनेगा। और ये जिस दिन मैंने कन्वर्ट किया 60 लाख, अब मान लीजिए 3 साल रहने के बाद मैंने उसको बेचा 70 लाख में, तो अगला 10 लाख मेरा कैपिटल गेन होगा। और लॉ ने यह भी कह दिया है, जो प्रपोज्ड है वो ये है कि ऐसी पर्टिकुलर एसेट को जिसे मैं स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, उसका होल्डिंग पीरियड जिस दिन मैं स्टॉक इन ट्रेड से कन्वर्ट करके लेकर के आऊंगा कैपिटल एसेट में, उस दिन से मेरा होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म काउंट किया जाएगा। तो यह व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो अमेंडमेंट के थ्रू आने वाली है। तीसरा जो बात मुझे आपसे डिस्कशन करना है वो है सर, चैरिटेबल ट्रस्ट पे और रिलीजियस ट्रस्ट पर अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी स्पष्ट रूप से कि उन्हें सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A यानी टीडीएस से रिलेटेड कंप्लायंस, सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 अथवा 3A जिसमें कि 10,000 से ऊपर का नकद भुगतान करने पर रिस्पेक्टिव खर्चा डिसअलाउ होता है, ऐसी व्यवस्था अब तक बिजनेस प्रोफेशन पर स्पष्ट रूप से लागू थी। एक ट्रस्ट पर जो कि 12AA में रजिस्टर्ड है या सेक्शन 1023C की संस्था पर इस प्रकार का कोई स्पष्ट प्रावधान अब तक नहीं था, परंतु अब ऐसे अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड हैं जो ये कह रहे हैं कि यदि 12AA का कोई ट्रस्ट हो या 1023C की संस्था हो तो उनको भी सर सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A में टीडीएस कंप्लायंस करना पड़ेगा जो कि चैप्टर 17B के हिसाब से चाहिए हो, और इसी प्रकार से उन्हें कैश पेमेंट भी सर अब 10,000 से ऊपर के नकद करने पर प्रतिबंध है यानी अगर वो करते हैं तो फिर उन्हें उस पर्टिकुलर खर्चे का एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। तो ट्रस्टों को सर आने वाले समय में अब ये कंप्लायंस सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इसके बाद सर अगला अमेंडमेंट है सेक्शन 28 में क्लॉज 2 है जो सर्टेन परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि कोई पेमेंट रिसीव होता है जो कि सॉर्ट ऑफ कैपिटल रिसीट भी हो सकता है, उसको इनकम मानने की, बिजनेस इनकम मानने की व्यवस्था करता है। इस सेक्शन 28 क्लॉज 2 में सर एक नया सब क्लॉज जोड़ा जा रहा है जो ये कह रहा है
कि यदि कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट में मॉडिफिकेशन होता है या टर्मिनेशन होता है और उसके संदर्भ में कोई प्राप्ति होती है, तो दैट पर्टिकुलर रिसीट वुड ऑल्सो बी ट्रीटेड टू बी द बिजनेस रिसीट। अब तक सर लॉ में स्पष्ट व्यवस्था इस विषय में नहीं थी और अब ये स्पष्ट व्यवस्था आने का प्रभाव मैं एक उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए मैंने किसी के साथ में 2000 क्विंटल कोई माल खरीदने का एक एग्रीमेंट किया, मेरे को ये 2000 क्विंटल माल आएगा और मैं इसको आगे बेचूंगा। अब सामने वाला 2000 क्विंटल माल देने से मेरे को किसी वजह से मना कर रहा है या कुछ मेरे को जो क्वालिटी ऑफ माल दे रहा है वो उतनी नहीं है जो कि मैंने तय करी थी। ऐसी परिस्थिति में मैंने और उसने तय किया कि ठीक है 1,00,000 रुपए मुझे दे दिए जाए, मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा कि वो मुझे माल आगे बैलेंस सप्लाई करे। ऐसी परिस्थिति में सर ये 1,00,000 रुपए मेरे हाथ में अब बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था है सर जो बिजनेसमैन को ध्यान रखनी पड़ेगी। और एक और डिस्कशन है सर जिस पर बहुत व्हाट्सएप पर मीडिया में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, मैं चाहता हूं कि मैं इस विषय को स्पष्ट करूं इस वीडियो के थ्रू। वो है सर कि अब ऐसी कुछ धारणा बनी है, ऐसा कुछ सोच या व्हाट्सएप जैसे मैंने बोला मैसेज चल रहे हैं कि यदि आपने बिलेटेड रिटर्न करी यानी 139(1) की टाइम पीरियड में रिटर्न नहीं फाइल करी तो आपको सेक्शन 80C, 80DD, 80D इस प्रकार के डिडक्शन नहीं मिलेंगे। ऐसी सर कोई व्यवस्था इस बजट से नहीं आई है। अगर आपकी बिलेटेड रिटर्न भी है तो भी आपको 80C का डिडक्शन, 80D, 80DD, 80CCD डिडक्शन मिलते रहेंगे, इन पर कोई प्रभाव नहीं आने वाला। मैं सर यहां तक कह सकता हूं यदि आप रिटर्न नहीं भी भरते और असेसमेंट के समय एक असेसी ये पर्टिकुलर डिडक्शन एओ के नॉलेज में लाता है तो भी उसको वो डिडक्शन मिलने का वो हकदार होगा। तो सर ये कुछ अमेंडमेंट मुझे लगे जो मुझे और आपके साथ डिस्कशन करने चाहिए। अभी भी कुछ और महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हैं जिन पर मैं आने वाले समय में आपके साथ चर्चा करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी इन अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका संतोषप्रद जवाब दे पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।